हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक डॉट इन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी एप्लीकेशन को या ISO फाइल को या ऑफिस को कैसे डाउनलोड करें केवल एक क्लिक में। बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सबसे खास बात है कि ये जेन्युइन तरीका है, और बिल्कुल आपको कोई भी क्रिक फाइल आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जेन्युइन फाइल आपको डाउनलोड करने को मिलेगा लिंक। आप वहां से जाकर एकदम जेन्युइन फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया होता है, उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। और एक बात आपको और बता दूं कि मैं विंडो 10 पे कर रहा हूँ। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं विंडो 10 पे कर रहा हूँ, आप विंडो 7 पे भी कर सकते हैं, विंडो 8 पर भी, या काली लिनक्स किसी पर भी सेम प्रोसेस के तहत ही किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस देखते हैं। तो आप यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए HE, देखिए यहाँ पे आ गया HEIDOC। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यही टाइप करना है HEIDOC, ठीक, और इंटर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और चलिए मैं एक और आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सर्च कर रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो एक और जेन्युइन तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे इस सर्च रिजल्ट को लाइएगा। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ले रहा हूँ और यहाँ पे आप सर्च कीजिए HE, सेम वही लिंक रहेगा जो आप सर्च बार में कर रहे थे, वही सर्च कीजिए। बस यहाँ पे डॉट और NET लगा दीजिए और उसके बाद फिर इंटर कर लीजिए, यानी सर्च कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एकदम वही वेबसाइट पे आ गया। मैं चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इस पे भी क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं आप वही वेबसाइट है, और इस पे भी और इस पे सेम है। चलिए मैं एक को कैंसिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड ऑफिस ISO फाइल डाउनलोड टूल, ठीक, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ पे अभी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो ISO डाउनलोड EXE, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो रहा है, बहुत ही कम MB का है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड भी हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सो फोल्डर कर लिया और यहाँ से देख सकते हैं मेरे PC में भी दो दो को डाउनलोड हो चुका है। मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं रन कर लेता हूँ। जैसे आप अपने फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह। चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और इसको रन कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो चुका है। चलिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विंडोज, जैसे आपको विंडोज 7 डाउनलोड करना है या विंडोज 7 अगस्त, और यहाँ पे विंडो 8 है, विंडो 10 है, यहाँ पे डेल के लिए कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे इंसीडर, यहाँ पे डेवलपर, यहाँ से न्यू। तो जैसे मुझे विंडो 10 डाउनलोड करना है, विंडो 10 पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए विंडो 10 आप कौन डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे आप प्रो, यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए विंडो 10 होम प्रो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चूज करने के लिए बोल रहा है, जैसे आप यहाँ से अपना भाषा चूज कर लीजिए, जैसे मैं इंग्लिश कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे कन्फर्म। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बिट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कीजिएगा, और आपका 64 बिट है तो 64, मेरे 64 है तो मैं 64 बिट पे क्लिक कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पूछ रहा है ओपन करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। चलिए मैं सेव करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होने लगा, स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप सेव कर लीजिए इसे, जैसे मैं सेव कर दिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। अब इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑफिस कैसे डाउनलोड कीजिएगा। जैसे आप बहुत सुनते होंगे कि MS Office, MS Word, ये सब जो भी होता है इसी के तहत होता है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे 2010 दिया हुआ है, यहाँ पे 2013 दिया हुआ है MS Office, यहाँ पे 2019 दिया है, ये सब MS Office का वर्जन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जैसे हमको 2016 डाउनलोड करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट चूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं USA इंग्लिश, इसको मैं क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्रोम ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है और ये कुछ लोडिंग कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड के लिए सीधे मेरे कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो रहा है। तो आपको किसी भी लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे डायरेक्ट इससे डाउनलोड अपना जो भी आपका फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है, मैं इसे पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना है। और यहाँ से कैंसिल, मैं तो केवल आप लोगों को बता रहा था। तो आप देख सकते हैं, और आप यहाँ से और भी देख सकते हैं, अदर है, यहाँ पे अभी सेटिंग्स है,
आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप अगर इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें, जो कि आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही कम दामों में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, तो आप जरूर व्हाट्सएप पर विजिट करें और वहाँ से सर से आप बात जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।